आज की तारीख में सबसे बड़ी जो चर्चा है जो देश में है वो है किसान आंदोलन। लाखों की तादाद में जो है किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और भी पहुंच रहे हैं। ये कृषि बिलों का जो विरोध है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीनों बिल ना तो जो है किसान के पक्ष में है और ना ही जनता के पक्ष में है। किसान के पक्ष में यूं नहीं है क्योंकि जो है डायरेक्ट जो है प्राइवेट एजेंसी जो है परचेस करेंगी, MSP निर्धारित नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, और जनता के लिए तो ये बिल्कुल ही जो है नुकसानदायक है। वो किस मायने है कि आपके दाल, तेल, अनाज, फल, सब्जियां, इनको जो है आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी से हटा दिया गया है। प्राइवेट एजेंसी मनमाने तौर के ऊपर जो है रेट वसूलेंगी, भाव जो है वो आसमान में जाएंगे। डेली नीड की ये चीज़ें हैं, इनके बिना जो है गुजारा नहीं है, संभव नहीं है। सरकार जो है कहाँ हस्तक्षेप करेगी प्राइसिंग में? अगर जो है रेट अगर 1.5 गुना हो गए अनाज के और तेल के तो सरकार हस्तक्षेप करेगी, अगर जो फल सब्जियों के भाव जो है 2 गुना हो गए तो सरकार हस्तक्षेप करेगी, अदरवाइज एजेंसीज फ्री हैंड है, वो रेट इस लेवल तक बढ़ा सकती है। अब आप सोचेंगे भी ये जो रेट हैं ये 1.5 गुना और 2 गुना का क्या सीन है? वो यूँ नहीं है भी आज के रेट को देखते हुए वो आगे तक चलेंगे। मान लीजिए 2020 में जो है अगर गेहूं का रेट अगर जो है 25 रुपये किलो है, ठीक है, तो वो 12.5 रुपये तक और बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उससे नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा? भी मान लो वो 35 रुपये कर देते हैं तो उसके अंदर 1.5 गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं, तकरीबन 17.5 रुपये के आसपास और बढ़ोतरी कर सकते हैं उसमें। तो जो ये बढ़ोतरी साल दर साल कर सकते हैं वो 50% की जो है अनाज के अंदर और 100% सब्जियों की, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हालात जनता के भी खराब हैं, किसानों के भी खराब हैं। आज की डेट में सबसे महंगा क्या है? महंगा जो है जनता के लिए जो है वो है रसोई आपकी, ठीक है। हर चीज़ महंगी होती आ रही है, गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जो है 40% फैमिलीज ऐसी हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, डेफिशिएंसी रहती है उनकी, ठीक है। अनाज ले लिया तो दूध नहीं है, अगर दूध ले लिया तो बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं है, और यही हालात किसान के हैं। औसतम आप ये लगा के चलिए ऑन एंड एवरेज जो है किसानों के पास में 2 से 3 एकड़ ज़मीन है, सालाना 50 से 60 70 80 हज़ार तक कमाई हो जाती है। 80 हज़ार में जो है एक किसान क्या क्या करेगा? उसे अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, बीमारी आ जाए इलाज भी करवाना है, ठीक है, बच्चों की शादियां भी करनी है, ठीक है। और ऑलरेडी किसान के हालात बहुत खराब हैं क्योंकि जो कॉस्टिंग आ रही है, जो खर्चा आ रहा है उपज के ऊपर, वो इतना आ रहा है कि उसके 10% या 20% भी जो है बचत नहीं आ रही। आए दिन आप देख रहे हैं किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये प्राइवेट एजेंसीज क्या करेंगी? ठीक है, आपने कभी एक प्राइवेट कंपनी का कोई अगर फॉर्म फिल किया हो कनेक्शन लेने के लिए भी, तो उसके अंदर जो है 50 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो अनाज जो है रिजेक्ट करेंगी, हाँ इसमें नमी है, इसमें ये कचरा है, इसको यूं साफ करके लाएं, इसका भाव हम 50 देंगे, इसका भाव हम 50 नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो है इतना बढ़िया जो है क्वालिटी का ये नहीं है, तो इसमें आपको जो है 25 रुपये 28 रुपये मिलेगा। तो सब कुछ जो है प्राइवेट एजेंसीज के हाथ में चल जाएगा, किसान भी मारे जाएंगे, जनता भी मारी जाएगी, ठीक है। और मेन जो है ये एक दरअसल क्या था, कोरोना काल था, एकदम ये अध्यादेश लाए गए, कोई ज़रूरत नहीं थी। पर ज़रूरत क्या थी? वो ये थी कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रीज़ जो है सारी डंप हो गई हैं, ठप हो गए हैं, व्यापार सारे ठप हो गए हैं, और न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आया था कि जो है अब सब कुछ जो है कृषि के ऊपर निर्भर है। और आप जानते ही हैं हमारे भारत की जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, 65-70% शेयर जो है कृषि प्रोडक्ट्स का है। तो ऐसे में एकाएक अध्यादेश लाना और तुरंत प्रभाव से जो है उनको जो है आपने जो है बिल पास कराए राज्यसभा और लोकसभा से, और वो भी ध्वनि मत से, वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से आपने वो पास करवा दिए, ठीक है। और बहुत से सांसद ऐसे थे जो इसके पक्ष में नहीं थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिल पास होने में, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक कॉरपोरेट्स को आप फायदा देने के लिए ये सब कर रहे हैं। सरकार का एक सोचा समझा हुआ ये प्री प्लान सारा सिस्टम था कि अब उद्योगों में कुछ रहा नहीं, ठीक है, तो ये कॉरपोरेट्स को जो है आप कृषि में जो है ला रहे हो आगे, साथ में आप कह रहे हो किसान भी जो है स्टोरिंग कर सकता है, सेल कर सकता है, उसको ये बेनिफिट वो बेनिफिट,
ठीक है, किसान के पास में क्या बेनिफिट है, एक घर के अंदर 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, उसमें एक में उसके औजार रखे हैं, एक में थोड़ा बहुत स्टॉकिंग वो कर भी लेगा तो कहाँ सर्वाइव कर पाएगा, उसके इतने बजट नहीं है वो कोल्ड स्टोरेज खोल ले, बड़े बड़े स्टोर खोल ले और उनको जो होल्ड करे रखे। तीसरा जो है, आपने जो है एक अभी आप जब ये लास्ट टाइम भी किसानों ने आंदोलन किया उस टाइम भी आपने कहा जी कोरोना कॉल है, आप प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, हम आंदोलन नहीं करने देंगे। नहीं, जब आपने जो है ये झूठी ट्रैक्टर रैलियां निकाल ली, ठीक है, जब आपको दिखाई नहीं दिया अभी कोरोना है, हर शहर के अंदर आपने ट्रैक्टर रैली निकाल ली, लेबर हायर करी आपने, असल किसान तो था ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो किसान विरोधी ये जो है तीनों बिल हैं, जनता को चाहिए जो है किसानों का सपोर्ट करें आप, ठीक है। और हमें खुद का भी देखना है, जनता को खुद का भी देखना है, किसानों का भी सोचना है, ठीक है। हम एक थोड़ी सी दूर जाते हैं, हम देखते हैं ये 80 किलोमीटर हमें जाना है, गाड़ी क्या माइलेज देगी? क्या आप जानते हैं किसान जब जो है खेती करता है, ठीक है, जब वो ट्यूबवेल चलता है उनका, तो सुबह से लेकर रात तक वही डीजल है, 70-75 रुपये लीटर वाला उनका भी, ठीक। और किसान का तो यूं नहीं, फसल उगा दी, एक वो नेता ने कहा था यूं का खेती में लगता क्या है, बीज छिड़क दिए फसल होगी, ठीक। वो नेता ने कभी शायद जमीन वगैरह देखी नहीं होगी, कभी उसका पाला नहीं पड़ा और ग्रामीण टच उसका नहीं रहा होगा, शायद उसको खेती बाड़ी का नहीं पता, जगह समतल की जाती है फिर बिजाई होती है, ठीक है, फिर उसके अंदर जो है सिंचाई होती है, उसकी कटाई होती है, चुगाई होती है, बहुत काम, स्प्रे वगैरह बहुत कुछ होता है, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स वगैरह इतने सस्ते नहीं है, आप भी जानते हैं। और फिर डीजल की मार, ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, बिजाई के साथ ही बारिश आ गई तो दोबारा बिजाई करनी पड़ती है, बारिश ना आई ट्यूबवेल का पानी, ठीक है, बारिश ज़्यादा आ गई जमीन ने नहीं सोखा तो फसल खराब, कम आई पानी नहीं मिला तो फसल खराब, फसल तैयार होगी तो बारिश आ गई, ठीक है, तो फसल खराब। तो नेताओं को खैर क्या पता है। तो अभी हमारे किसान भाई आपके दिल्ली में आए हुए हैं, आप सब जो है उनसे मिलिए, उनका दर्द समझिए, उनका पेन समझिए, उनके सपोर्ट कीजिए। और ये सोशल मीडिया पे खास तौर पे ये राजनीति वालों ने अपने अलग अलग पेज बनाए हुए हैं, ठीक है, तो किसान विरोधी कुछ लिख रहे हैं, तो आप भी जो है किसानों के सपोर्ट में फुल ऑन सोशल मीडिया पे उनके सपोर्ट कीजिए। आपकी प्रोफाइल के प्रैक्टिस लिखा होना चाहिए, एक बैनर आप सेलेक्ट कीजिए, वी सपोर्ट फार्मर्स। 65% जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो कृषि आधारित है, किसानों के हालात बहुत खराब है, ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता, या आए दिन जो किसान जो है बड़ी तादाद में जो सुसाइड कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर रहे। कभी आप किसी गांव में जाएं, वहां किसानों के हालात देखें, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि उनके आर्थिक हालात कितने खराब हैं। सोशल मीडिया पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फार्मर्स की फुल ऑन सपोर्ट आप कीजिए। और ये कृषि बिल जो है, अगर ये प्राइवेट हो गया सिस्टम तो वही हालात हो जाएंगे, जिस तरह आप आज की तारीख में देख रहे हैं, तेल के भाव आसमान में है, बिजली प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है, आपका मंथली जो बिल आता है आपको समझ में आ जाता है, और खाना पीना तो आपकी डेली नीड है जी, वो टाइम गया जब जो है गरीब आदमी 10 रुपये लेके दुकान से थोड़ा सा जो है अपना चावल ले आता था, पूरा परिवार खाना खा लेता था, किचन आपकी सबसे महंगी हो रही है। और भविष्य जो है कमिंग 10 ईयर्स में, 10 आने वाले 10 सालों में सबसे महंगी 2 चीज़ें होंगी, एक आपका खाना, दूसरा इलाज। तो समय रहते जो है आप आवाज़ उठाते रहें, किसानों का सपोर्ट करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और सोशल मीडिया पे मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि ये बैनर जरूर लगाएं, वी सपोर्ट फार्मर्स। थैंक यू वेरी मच।